नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आईएस का शीर्ष कमांडर शिशानी ढेर। खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने उमर द चेचेन नाम से कुख्यात अपने संगठन के आतंकवादी अबू उमर अल शिशानी की मौत की पुष्टि कर दी है। आईएस का समर्थन करने वाली समाचार एजेंसी अमाक ने बताया कि शिशानी मोसुल के दक्षिण में स्थित इराक के शिरकत शहर में मारा गया। हालांकि एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं कर सकी है, जबकि पेंटागन ने मार्च में ऐलान किया था कि उमर द चेचेन के नाम से जाना जाने वाला शिशानी उत्तर पूर्वी सीरिया में अपने काफिले में हुए हवाई हमले में घायल होने के बाद शायद मर गया है। बहरहाल अमाक का दावा इससे बिल्कुल उलट है। अमाक ने बुधवार को कहा कि शिशानी शिरकत शहर में मारा गया। उस समय वो मोसुल शहर में सैन्य अभियान के खिलाफ सक्रिय था। इराकी बलों का मोसुल को अपने कब्जे में लेने के लिए अभियान अंतिम चरण में है। थेरेसा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, जॉनसन बने विदेश मंत्री। थेरेसा ने बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, जिसके बाद मार्गरेट थेचर के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली वे दूसरी महिला हो गई हैं। थेरेसा ने ब्रेग्जिट के बाद दुनिया में ब्रिटेन के लिए साहसिक एवं नई सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। बकिंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात के बाद थेरेसा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार लिया। वो अपने पति फिलिप के साथ मीडिया को संबोधित करने डाउनिंग स्ट्रीट पहुंची, जहां से उनके पूर्ववर्ती डेविड कैमरन सिर्फ एक घंटे पहले विदा हुए थे। थेरेसा ने लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्रिटेन में गतवा हुए जनमत संग्रह में जॉनसन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की सबसे बड़ी तेज ट्रेन बनी टेल्गो ट्रेन। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई नगरी से जोड़ने के लिए स्पेनिश ट्रेन कंपनी टेल्गो के कोचों का परीक्षण कर रही भारतीय रेलवे ने बुधवार को एक नया इतिहास बना दिया। भारतीय लोको इंजन के सहारे चल रहे टेल्गो कोचों का प्रायोगिक परीक्षण मथुरा से रुंधी स्टेशन के मध्य किया गया और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर ये ट्रेन देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई। इससे पूर्व ये खिताब दिल्ली से आगरा तक चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस नाम था, जो गत वर्ष ही चालू की गई है। रेल सूत्रों के अनुसार यहां चल रहे ट्रायल के पांचवें दिन स्पेन की हाई स्पीड ट्रेन ने मथुरा और पलवल के बीच 84 किलोमीटर की दूरी मात्र 38 मिनट में पूरी की। तेज गति की अन्य ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर, शताब्दी एक्सप्रेस की 150 किलोमीटर और राजधानी एक्सप्रेस की 130 किलोमीटर प्रति घंटा है।